ये 2018 है, अभी इस साल 2018 है, अपने वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अपनों को ये देखना रहता है कि महीने के दिनों को अपनों को कैसे मतलब देखना है कि फरवरी कितने की है, दिसंबर कितने का है, नवंबर कितने का है। अपने जो हाथ हैं, हाथ में जो ये टखने हैं और खांच है, तो इससे अपन देखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा उसमें 31 दिन का रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा धसा हुआ वो 30 दिन का रहेगा। ऊपर वाला हिस्सा 31 का, नीचे वाला हिस्सा 30 का। तो इस बारे में अपन देखते हैं कि जनवरी है, ये देखो ऊपर आ रहा है, जनवरी 31 की है, फरवरी 28 की होती है। अब ये देखते हैं अपन कि सितंबर, एक अपना श्लोक है, सी अप जू नौ 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो चौथे सन 29 क्यों, कब आती है चौथे सन 29? ये देखते हैं अपन कि जिस वर्ष में चार का भाग पूरा जाता हो उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। कैसे? जैसे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और 6 घंटे, तो ये 6 घंटे जुड़ते जुड़े, एक वर्ष के 6 घंटे, दूसरे वर्ष के 6 घंटे, तीसरे वर्ष के 6 घंटे, चौथे वर्ष के 6 घंटे, तो 6 चौक 24, 24 एक दिन में, 24 घंटे में एक दिन हो जाता है। तो 366 दिन जिस वर्ष हो जाएंगे, एक लीप वर्ष कहलाएगा, 366 दिन है ना एक लीप वर्ष, मतलब जिस वर्ष में चार का भाग चला जाएगा उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी। समझ आए? एक और देखे अपन, अब अपन मिला लेते हैं, जनवरी ऊपर है तो 31, फरवरी 28 की है, 2018 में अपनों ने भाग देके देख लिया है, मार्च अपना 31 का है, अप्रैल 30 का, मई 31 की, और ये जून 30 का है, जुलाई 31 की। अब लगातार 31 क्यों है? क्योंकि अपने इसमें क्या, जुलाई के बाद में उठ के अपन ऊपर आएंगे वापस अगस्त में, है ना, तो लगातार देखो 31 31। अपनों ने कैलेंडर में भी चेक कर लिया था पूरा कि अपनी अगस्त भी अपना 31 का है और जुलाई भी 31 की है, जुलाई भी 31 की है और अगस्त भी 31 का है ना, मतलब लगातार आए इसलिए अपनों ने देखा, और अपनों ने सभी महीने को देख लिया इसमें। अब इस प्रकार से क्या है कि 4 महीने तो 30 के हैं, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, सी अब जू नौ, 4 महीने 30 के हैं, देखो 1, 2, 3 और 4, बाकी के 31 तो 12 में से 4 गए तो कितने, 8 बचना चाहिए, पर अपने पास में 7 ही है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पर एक महीना है वो फरवरी का है, और चौथे साल में जाके कहाँ क्या हो जाता है वो 29 का, वो ऐसे होता है। देखो अपन देखते हैं कैसे होता है, अब ये 2018 का है ना, 2018 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, शेष बच गया, तो ये साल 29 का नहीं है। 2016 में देखे देखा था आपने तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये 2016 में 29 का था फरवरी। अब 2017, 18, 19, 20, 2020 में देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये 2020 में जाके लीप वर्ष होगा और फरवरी 29 दिन की होगी। समझ में आया ना? अब देखिए अपन पूछते हैं कि फरवरी क्यों, तुम बताओ फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, 29 की कब होगी वो? जिस वर्षों में चांद का भाग चला जाता है उस वर्ष फरवरी 29 दिन की, हाँ, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, अब अपन पूछते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? सर जनवरी में सर 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते, कैसे सर जनवरी, ऊपर आ रहा है, हाँ सर, ठीक है, जनवरी में 31 है। इसके बाद में अपन देख पूछते हैं मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में 31 दिन, कैसे, मार्च में 4, नीचे नीचे में कितने दिन होंगे? नीचे में नीचे देखो ना उधर, मार्च अप्रैल जनवरी से गिनो, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च ऊपर आ रहा है, हाँ सर, ऊपर से होगा, ठीक है, हाँ,
जनवरी इसने बता दिया है, फरवरी अपनों ने पूछ लिया है, मार्च पूछ लिया, अप्रैल कौन सा? हाँ इसमें देखो अपना अप्रैल में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। कैसे बताओ? अप्रैल नीचे आ रहा है, ठीक है अप्रैल में 30 दिन हो रहे हैं, वो अपनों को दिख रहा है अप्रैल में 30। अप्रैल ठीक है। इधर से तुम बताओ शाम, इधर जुलाई में कितने दिन हो रहे हैं? 31 हो रहे हैं। कैसे है? बताओ। ऊपर आ रहा है तो जुलाई में 31, अगस्त में 31। कैसे गिन के बताओ? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, वो भी ऊपर ही आ रहा है ना अगस्त। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना सबको ये चीज, है ना कि महीने के दिन किस प्रकार से गिनेंगे, सबको समझ में आया चीज, है ना। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देंगे अपन, उनके उत्तर अपने घर से करके लाएंगे आप लोग, ठीक है ना। ये अपने दैनिक जीवन से संबंधित अपने घर परिवार वालों को भी समझाना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, पूरा बताना अपने घर परिवार वाले, अपने बड़े भाई बहनों को भी समझाना है, छोटे भाई बहनों को भी समझाना है। ये बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारे हमेशा जीवन में काम आने की चीज है, ठीक है ना। धन्यवाद।